मंडला में जिला परिवहन विभाग की लापरवाही। शक्ति सारथी कार्यक्रम में हरी झंडी दिखाने के दौरान वाहन का पीयूसी प्रमाण पत्र नदारद। आज जिला योजना भवन में आयोजित शक्ति सारथी कार्यक्रम में एक बड़ी लापरवाही सामने आई। जिला परिवहन विभाग और जिला प्रशासन द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री संपतिया उइके और सांसद फग्गन सिंह को एक वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करना था, लेकिन कार्यक्रम के दौरान यह खुलासा हुआ कि उस वाहन का पर्यावरण प्रमाण पत्र पीयूसी ही नहीं था। जब अधिकारियों ने वाहन का पीयूसी चेक किया तो यह देखकर हैरान रह गए कि वाहन का प्रमाण पत्र जारी नहीं था। इस दौरान वाहन मालिक से जब पीयूसी के बारे में पूछा गया तो वह बगले झांकने लगा और उसका कहना था कि वह जल्द ही इसे बनवा लेगा। मंत्री संपतिया उइके ने इसे गंभीर लापरवाही बताया, लेकिन इसके बावजूद इस मामले में किसी भी तरह की ठोस कार्यवाही करने से बचते हुए कार्यक्रम जारी रखा गया। यह घटना दर्शाती है कि शासन के महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में भी प्रशासन की ओर से लापरवाही बरती जा रही है, जो शहरवासियों के लिए चिंता का विषय है। इस लापरवाही से यह सवाल उठता है कि जब सरकार के कार्यक्रमों में ऐसी गलतियां हो सकती हैं, तो आम जनता के लिए क्या संदेश जाता है? क्या प्रशासन और संबंधित विभाग इस मामले में सुधार लाएंगे, या यह सिर्फ एक और लापरवाही बनकर रह जाएगा? आज शक्ति सारथी वाहन, इसकी पॉल्यूशन क्यों नहीं है? वो खत्म हो गया था, अभी करवा दे रहा हूँ। तो ऐसे ही काम करते हो शासन के, प्रशासन के साथ आप लोग ऐसे ही काम करते हो? नहीं नहीं, एक्चुअली में खत्म हो गया था, मैं करवा दे रहा हूँ। देख के लाना चाहिए ना आपको गाड़ी, जिस गाड़ी का परसों ही कैबिनेट मंत्री यहाँ पर आपकी गाड़ी में हरी झंडी दिखा रही है, और आप इस टाइप का काम करेंगे? परसों ही हुआ है, अभी करवा दे रहा हूँ। क्या नाम है आपका? अमित उपाध्याय। कौन से ड्राइविंग स्कूल से? सिंह ड्राइविंग। में पॉल्यूशन का सर्टिफिकेट होनी चाहिए, यदि नहीं है तो होना चाहिए। ये मैं तो आप लोगों को धन्यवाद देती हूँ कि यदि जो गाड़ी में पॉल्यूशन नहीं है, जैसे आप लोग अभी आदरणीय खरे ने, आप साहू जी ने, आप लोगों ने जो बात रखी, तुरंत ही उसका पॉल्यूशन सर्टिफिकेट बनाने के बाद ही गाड़ी को चलानी चाहिए। और मैंने क्या कहा कि जो RTO के नियम है वो सारे नियम को फॉलो करते हुए ये ड्राइविंग लाइसेंस हो चाहे ट्रेनिंग हो वो देना चाहिए।